हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, तुलसी के पांच पत्ते बना देंगे आपको अमीर। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पत्ता विष्णु का प्रिय होता है। ये पौधा हर किसी के घर में होते हैं और हर अच्छे काम में शामिल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पत्ते कई तरह की आपकी मदद कर सकते हैं? तो दोस्तों, पैसे की समस्या तो हर घर में होती है, लेकिन घर में जो नकारात्मक एनर्जी होती है, निगेटिव एनर्जी होती है, आप तुलसी के पत्ते को हर समस्या से वो निकल कर बाहर आ जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि तुलसी के पत्ते आपको कैसे बना सकते हैं अमीर। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, तुलसी के पौधे का धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व है। एक और जहां हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है, तो दूसरी ओर इसकी पत्तियां को सेवन से भी कई बीमारियां भी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, प्राचीन काल से तुलसी को घर आंगन में रखा जाता है और तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र और धार्मिक पौधा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, और कई धार्मिक कथाओं में तुलसी के पौधे का जिक्र किया गया है। ज्योतिषों का कहना है कि तुलसी का पौधा घर में बहुत ही शुभ होता है। तुलसी को भगवान कृष्ण के भोग में रखना भी जरूरी बताया जाता है। कहा जाता है कि यदि संभव हो तो आंगन में अथवा घर में तुलसी का पौधा लगाए और रोजाना उसके नीचे दीपक अवश्य जलाए तो उससे सुख समृद्धि आती है। वही तुलसी का पौधा यदि कार्तिक माह में लगाया जाए तो इसका विशेष महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हो तो सोने से पहले अपने तकिए के नीचे तुलसी के पांच पत्ते अवश्य रखें। इससे आपके घर में निगेटिव एनर्जियां बाहर चली जाएगी। तो दोस्तों, तुलसी के पांच पत्तों को लाल कागज में लपेटकर मंदिर में रखकर पूजा करें। इन पृष्ठों को आपके दिल की इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगेगा और ऐसा करने से निश्चित ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह ये आप उपाय करते हैं तो आप कम से कम दिनों में अमीर जरूर बन जाएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी माता अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।